उसमें रियासत को माफी मांगनी चाहिए और उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। इसके बावजूद उसका गायरा काल एक्सटेंड हो गया। अब ये सियासी लोगों के हमारे हुक्ला के घर तक कोई फोर्स डिसबैलेंसिंग का मसला पहुंचा और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर एतराज लगा दिया कि ये बुनियादी इंसानी हकूक का मसला नहीं है। आइन तो यहाँ पर है ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि
मिश्री ठीक होती, अगर ये सालिह को का ताबूत करती जो खवातीन की हुर्मत पामाल की गई घर जाके, अगर उसके ऊपर भी कमीशन बना होता, अगर उसके ऊपर भी बात की जाती तो आज मुल्क के हालात और होते, आज इतनी मायूसी ना होती। हमारा विकला हमारे नौजवानों के चेहरों के ऊपर जो इस वक्त मायूसी है, पूरे मुल्क के अंदर जो मायूसी है, और ये जो तर्जमान हुकूमत है, ये निगरान नहीं गैर कानूनी तर्जमान हुकूमत जो गंदना की कह रही है हर तरफ, तो ये ऐसा ना होता अगर जुडिशरी मजबूत होती। तो आपको दो सिर्फ बाकी आप देखते हैं अभी तक पिछले हफ्ते में हुए। एक तो मैं मुजम्मत करती हूँ उस चैनल की, उस करारदाद की जो इन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से पास की,